हेलो गाइस, कैसे आप लोग। तो आज मैं लेके आया हूँ एक नया गैजेट जो आलसी लोगों के लिए काफी काम की चीज है। ये मेरा आलसी लोगों वाला सेकंड पार्ट है। तो ये है होममेड का स्मार्ट स्विच। वो जो पुराना वाला दिखाया था उसमें क्या होता था कि एक डिवाइस दिया जाता था, उसको अपने को अलग से लगा के स्विच की तरह कन्वर्ट नहीं कर सकते थे। और उसमें क्या है कि दो वायर यहाँ जोड़ो, खैर वायर तो सब में जोड़ना ही है और सब में सिस्टम एक ही है। वो था 688 समथिंग का और ये है 1428। अब उसमें क्या फर्क था कि एक डिवाइस लगता था, वो बाहर लगता था और वो बहुत गलत दिखता था, बेकार दिखता था। पर ये क्या चीज है, ये है स्मार्ट स्विच। ये क्या लगता है कि ये इसके अंदर ही शिफ्ट हो जाता है। ये जो अपने स्विचेस लगाते हैं घर पे, एलिस, हाईफाई, एंकर, एकॉर के, जिसके भी, तो ये उसके अंदर कॉम्पिटेबल है, मतलब सबके अंदर शिफ्ट हो जाता है। तो आज मैं बनाने वाला हूँ वीडियो इसके ऊपर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों, ये है होममेड का 4 नोड का स्मार्ट स्विच। तो इसमें क्या है, बेसिकली इसके अंदर आप 4 स्विच ऐड कर सकते हो, जिसमें अगर आपको पंखा, लाइट, टीवी वगैरह कुछ भी चलाना चला सकते हो। तो ये आता है 1428 रुपीज का, जो अमेजोन से मिल जाएगा। मैं इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मैं नीचे दे दूंगा। तो अभी मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि ये आप देख सकते हैं इसके अंदर 4 स्विच है और पीछे ये इसकी फुल वायरिंग है। अब ये जो है, ये है एन, एन मतलब न्यूट्रल, और ये है पीएल, पीएल मतलब लाइन, जो जिसके अंदर करंट आता है वो लाइन, वो वायरिंग इसमें की जाती है। मैं ऑलरेडी वायरिंग कर चुका ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो। ये जो है इसमें पूरी की पूरी जो आती है इसमें लाइन फर्स्ट वाली इसमें डाली जाती है जिसमें करंट आता है 240 वोल्ट, और ये आता है न्यूट्रल जिसमें करंट नहीं आता है। और ये जो है, ये है फर्स्ट स्विच का वायर, ये है सेकंड स्विच का वायर, ये है थर्ड स्विच का वायर, और ये है फोर्थ स्विच का वायर। और ये आप देख सकते हैं न्यूट्रल वाला, ये ब्लैक कलर का है, वो न्यूट्रल वाला पूरी की पूरी लाइन है। अब इसमें क्या है कि ये जो एक वायर है, अब समझिए हर एक चीज के 2 वायर होते हैं, प्लस और माइनस। तो इसमें जो लाइन है, लाइन को तो सिंगल रखा गया है, पर जो ब्लैक वाला है न्यूट्रल, न्यूट्रल को और इसके एक एक वायर को, हर एक वायर को कनेक्ट किया गया है। ये देखिए, तो ऐसे करके इसमें 4 स्विच है, तो 4 स्विच के अलग अलग वायर है। एक वायर है वो यहाँ L1, L2, L3, L4 में कनेक्ट होगा, और दूसरा जो वायर है वो होगा न्यूट्रल में कनेक्ट, ये ब्लैक वाले में जो मैंने आपको पहले बताया, एन वाले में। तो अभी कैसा है कि इसमें एक ट्विस्ट ये है, जो आप ये एल वाला देख रहे हो लाइन वाला, इसमें क्या है, अगर जो अगर वहां से जो प्लग के अंदर से जो लाइन आ रही है, मेन लाइन को हमें इसी के साथ ही कनेक्ट करना है। इसके साथ करोगे तो काम नहीं करेगा। एक लाइन यहाँ आएगी जिसमें मेन जो वायर आएगा, और ये है ब्लैक वाला जो इसमें कोई न्यूट्रल वायर है, इसमें मेन जो करंट आता है वो है। तो चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे यूज किया जाता है और वायरिंग का सिस्टम कैसे स्विच के साथ कैसे चेंज किया जाएगा। ये मैं अपने रिस्क पे कर रहा हूँ, प्लीज आप इसको घर पे ट्राई मत कीजिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, अब इधर एक होगा न्यूट्रल और इधर एक होगा फेस। तो अभी मैं इसको इसमें डालता हूँ और चेक करता हूँ न्यूट्रल चालू है, लाइन है या क्या है। ये देखिए, अभी इसके अंदर ये लाइट हो रही है, इसका मतलब ये है लाइन, और इसके अंदर ये लाइट नहीं हो रही है, इसका मतलब है ये न्यूट्रल, मतलब ब्लैक वायर इधर आएगा और येलो वायर इधर आएगा। तो चलिए पहले मैं इसका येलो वायर जो है वो इधर डाल देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं येलो वायर डालते यहाँ पे लाइट हो गई है। अभी यहाँ से ये पूरा का पूरा सिस्टम चालू हो गया। अब मैं इसमें आपको यूज करके दिखाऊंगा कैसे एक एक स्विच वर्क करता है। तो अभी आप देख सकते हैं सारे स्विचेस ऑन है, मुझे इसको बंद कर देता हूँ। तो चलिए पहले वाले में ये लगाऊंगा मैं स्विच यहां से चालू करता हूँ। नहीं हुआ, आप देख सकते हैं ये लाइट यहाँ पे शुरू हो गई है। ये वाला स्विच है इसका। अब मैं इसको बंद करूंगा। तो दोस्तों ऐसे करके मैंने एक्सप्लेन करने के लिए 4 फीमेल लगाए हुए, तो सेम टू सेम ये सभी वर्क ऐसे ही करते हैं। अगर ये चीज मैं इसमें लगा के दूसरा बटन चेंज करूं तो भी ये लाइट बंद चालू होगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अभी ये पहला पार्ट है, और दूसरा पार्ट मैं आपको बताऊंगा इसको स्विच बोर्ड होता है उसके अंदर इसको कैसे लोड किया जाता है। तो प्लीज दूसरा पार्ट भी जरूर देखिएगा।